हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये चटपट सा नाश्ता मैंने आज आपके लिए मैं तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए, इसका नाम है चाइनीज़ भेल। आप सभी में से बहुत लोग जानते होंगे। ये मैंने नूडल्स को थोड़ा सा बॉयल कर लिया है और बॉयल करके इसको फ्राई कर लिया है। डिटेल में अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। फ्राई की हुई नूडल्स में मैंने प्याज ऐड कर दिया है महीन महीन काट कर, और ये जो आप देख रहे हो वीडियो में, शिमला मिर्ची, पत्ता गोभी और गाजर को क्रश कर लिया है चॉपर में, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा टमाटर भी और धनिया पत्ती भी। इस स्नैक्स को आप शाम को भी खा सकते हो और मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट में खा सकते हो। झटपट रेडी हो जाता है। बस करना इतना ही है कि आपको नूडल्स को फ्राई करके पहले से रख लीजिए बस। और देखिए, नींबू भी डाल दीजिए, जो नहीं खाते नींबू वो मत डालिएगा। झटपट बनने वाला नाश्ता है जो जल्दी से बन जाता है और आप खा सकते हो। और गर्मी बहुत पड़ रही है इसीलिए फटाफट इसी तरह का कुछ कुछ स्नैक्स आप रेडी करके रख सकते हो शाम के लिए भी। बच्चे भी आएंगे तो आप दे सकते हो। अब इसमें मैं ना टमाटर सॉस ऐड कर रही हूँ और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और आप इसमें चिली सॉस भी ऐड कर देना अगर आप खाते हो तो। मैं रेड चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, बहुत ही यम्मी लगता है खाने में और फटाफट बन जाता है। तो आप देख रहे हो मैं थोड़ा सा चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ सामान की ज़रूरत नहीं है, आपके घर पर जो है आप उसी से बना सकते हो। और मैक्सिमम 5 मिनट्स में बन के रेडी हो जाता है। बस आप थोड़ा सा जो नूडल्स है या चाउमीन है या फिर जो भी आपके पास हो उसको आप बॉयल करके थोड़ा सा फ्राई करके पहले से रेडी करके रख लीजिए। ये मैं इसमें थोड़ी सी सॉस भी, मतलब चटनी डाल रही हूँ। सॉस तो डाल चुकी हूँ मैं। ये सूखी मिर्ची और लहसुन की चटनी है, जो सेजवान सॉस जिसको आप बोल सकते हो। ये मैंने घर पर रेडी की है। अगर आपको उसका चाहिए वीडियो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर पोस्ट कर दूँगी। अब देखिए, इस तरह से सारी चीज़ों को मिला लीजिए, जितनी भी वेजिटेबल आपने इसमें मिक्स की है। और आप अपनी पसंद की सारी वेजिटेबल इसमें मिक्स कर सकते हो।